हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लोरर। और आज मैं आपको फिर से लेकर आई हूँ बिग बाजार। और इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक हॉलीडे सेल की कुछ सच्चाइयों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हो, अभी बिग बाजार में पब्लिक हॉलीडे सेल चल रहा है, जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है, और कहीं कहीं पर ये 29 टू 4 अक्टूबर तक है। अलग अलग बिग बाजार में डेट का चेंज है। जैसे कि इसके तहत आप देख सकते हो, 4000 की खरीदारी करने पर आपको कैशबैक मिलता है 800 का, और साथ ही साथ आपको 1445 का डिनर सेट 599 में मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो डिनर सेट है 1499 का, जो आपको 599 में समथिंग कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल ही 599 से ज़्यादा का नहीं है। मैंने और भी स्टोर्स में देखा है, दूसरे मॉल्स में भी गई हूँ और बिग बाज़ार में भी गई हूँ, 1500 का जो डिनर सेट होता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी होती है, बहुत ही चेंज होती है। पर ये जो दे रहे हैं 499 में डिनर सेट, अभी सॉरी 599 में जो डिनर सेट दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही बकवास है। बिल्कुल ही वो उसी रेट की है। यहाँ पे कोई फ्री आपको नहीं मिल रहा है, कुछ ऑफ़र नहीं मिल रहा, ये बस झूठ है कहने के लिए है कि 1000 रुपीज़ इसमें लेस है, बस ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे ऑफ़र के बारे में मैं चलिए बताती हूँ। दूसरा ऑफ़र ये है कि अगर आप 4000 की ख़रीदारी करती हो तो आपको 800 का कैशबैक मिलेगा। ये भी मेरे ख्याल से बिल्कुल बकवास है, क्योंकि ये 800 का कैशबैक आपको आपके वॉलेट में मिलेगा, जिसको कि रिडीम करने के लिए आपको पर मंथ बिग बाज़ार में आना ही होगा। आप जब पर मंथ आप 100 करके उसको रिडीम कर सकते हो, यानी कि 8 महीने के लिए बिग बाज़ार आपको बांध कर रखता है कि आपको बिग बाज़ार में आना ही होगा, और आपको पर मंथ 100 रुपया उसमें से रिडीम करना होगा। अगर किसी कारणवश आप किसी महीने बिग बाज़ार ना जा सके तो आपका 100 रुपी लेस हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, आप उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें भी बिग बाज़ार का फ़ायदा है, कस्टमर का नुकसान है। अगर आप पर मंथ 100 की ख़रीदारी के लिए बिग बाज़ार जाओगे तो सिर्फ आप 100 की नहीं खरीदोगे, ऐसे स्टोर्स में जाके लोग कई तरह की अननेसेसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। और जब भी आप जाते हो तो आप जानती हो, 4 से 5 हज़ार की बिग बाज़ार में जाके तो शॉपिंग हो ही जाती है। तो ये बिग बाज़ार वालों की स्ट्रेटजी है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे कस्टमर को जरा भी फ़ायदा नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बिग बाज़ार जाते हो पर मंथ, तो आपको भाड़ा भी पे करना पड़ता है। आप 100 के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको 100 से कहीं ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा, 100 रुपया तो आपका भाड़ा में ही कम से कम लग जाएगा, तो इसमें भी कस्टमर का नुकसान ही है। अगर वो 4000 की ख़रीदारी पे अभी हमें लेस कर देते 800 रुपीज़, तो इसमें हमारी प्रॉफिट थी, यानी कि कस्टमर का प्रॉफिट था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिग बाज़ार बीच बीच में ऐसे ऑफर्स निकालते रहते हैं जिसमें कि कस्टमर्स का नुकसान होता है और बिग बाज़ार वालों का फ़ायदा होता है। तो आई थिंक ये जो पब्लिक हॉलीडे सेल है, इसमें एक पैसा भी, थोड़ा भी, 1% भी मुझे कस्टमर्स का फ़ायदा नहीं दिख रहा है, नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हो आप सभी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।